तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है, तभी तो वो शौर्य दिवस मनाते हैं। हाँ, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है माँ। मैं आपसे उसका जवाब चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा सच कह रही थी या फिर वो मेरे मन में शक का बीज बोना चाहती थी? क्या ये उसकी आखिरी चाल थी या फिर सच में कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? किस राज के बारे में जानना चाहते हो बालवीर? ताकि यो इस बोरी के लिए तो किसी को बुलाना पड़ेगा। ड्राइवर साहब, इस बोरी को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने में हेल्प कर दो। विवान, तूने इतनी भारी बोरी कैसे उठा लिया खुद? वो क्या है ना मम्मी, आपको तो बताइए ना कि छेड़ अंकन की बोरी में आधी तो हवा ही होती है, बिल्कुल पोटैटो चिप्स की पैकेट की तरह। इसलिए आराम से आप ये मुझे दीजिए ना। अरे आप लोग रख दिया? थैंक यू, बात करते बहुत काम है। देखा तो कितना बदल गया है विवान। पहले तो लोग तेरी कंप्लेन लेकर मेरे पास आते थे और अब उससे वैसे तो तू बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है। तेरी मॉम पर तुझ पर गर्व है बेटी। थैंक यू। वैसे देवू कहाँ है? मैं जानता हूँ कि हमारा काम भाई को खत्म करना है, लेकिन ये वीर लोग का नियम भी है कि बुराई का खात्मा करते समय, उससे लड़ते समय हमारे हाथों किसी भी प्राणी की जान नहीं जानी चाहिए, वरना हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? और मैं यही तो पूछना चाहता हूँ शौर्य, क्या हमेशा इस नियम का पालन हुआ है? क्या आज तक कभी भी किसी भी प्राणी की जान वीर लोग के किसी भी वासी के हाथों नहीं गई? तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो बालवीर? शौर्य, मैं बस यही जानना चाहता था कि लड़ाई के मैदान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से चूक हो जाती है, क्या आज तक वीर लोक में किसी से भी कोई भी चूक नहीं हुई? मेरे हाथों से कभी किसी निर्दोष की जान नहीं गई है बालवीर। जिसकी जान मुझे लेनी पड़ी, अगर उस व्यक्ति को रोका नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अरे बालवीर, तुम आ गए, विमान भी आ गया होगा ना? चलो चलो, मुझे और 18 मोमबत्तियां जमा करने में मदद करो, चलो। अरे लेकिन डुबा, इतनी सारी मोमबत्तियों का करोगे क्या तुम? आज शौर्य दिवस की 20वीं सालगिरह है, तो हमने सोचा कैसे धरती वाले केक पर मोमबत्तियां सजाते हैं। ठीक वैसे हम भी 20 मोमबत्तियां जलाएंगे। अरे शौर्य दिवस की खुशी के कारण सुबह से मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। लेकिन आखिर 20 साल पहले ऐसा हुआ क्या था? यानी कि 7,300 दिन, यानी कि 58,400 पहर।
सालों से मैं सोया नहीं हूं मिलसा। शिंकाई की इन गहराइयों में हर रोज हर पल खुली आंखों से बस एक ख्वाब देखता आया हूं मैं। इस दुनिया की तबाही का ख्वाब, क्योंकि इस तबाही की राख से ही मेरी हुकूमत का सूरज निकलेगा। आपके इस ख्वाब को किसी की नजर ना लगे बामबाल श्री, पानी के अंदर हूँ वरना काला टीका लगा देती। नजर लगाना तो दूर की बात है मिलसा, अगर कोई हमारे सपने को आंख उठाकर भी देख ले तो उसकी आंखें निकाल कर उसे ही नजराना कर देंगे। अपना सपना तबाही, तबाही। लेकिन इस तबाही के ख्वाब को हम पूरा कब करेंगे बम्बाल श्री? सब्र मिलसा, सब्र। आज से 20 साल पहले किस्मत का एक तारा टूटकर शिंकाई की इस गहराई में आकर गिरा था, और उसी के साथ आ गिरी थी एक ऐसी छुपी ताकत जो आज आजाद होगी, और उस ताकत की मदद से मैं इस शिंकाई धरती और आकाश पर राज करूंगा। हम जस्ट सो वरिड आंटी, एक घंटे में भारत नगर के पीछे जो क्लोज कॉलेज है वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप देखिए ना अभी तक बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स ये सब कुछ भी वॉश नहीं हुए हैं। यू उदास होना और अकेले में रोना इस इंजूरियस 12th एनएन है दीदी। मैं रो कहाँ रहे हूँ विवान। हाँ लेकिन एक घंटे में अगर ये सब कपड़े नहीं धुले तो पक्का रोने लगूंगी। अरे फिकर नॉट एनएन है दीदी, मैं ये सारे बेडशीट एक घंटे के पहले धो दूंगा, आई प्रॉमिस। अरे 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 बोलो नहीं सुनो, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए बेटा जो पूरा ना कर सको। आई एग्री माँ, लेकिन आप ही ने तो सिखाया है जहाँ होती है चाह वहाँ होती है राह, जहाँ विल वहीं पर स्किल। अच्छा तो तेरे पास कोई मैजिकल स्किल है जिससे एक घंटे में सारे कपड़े धुल जाएंगे? ऑफ कोर्स माँ। है नहीं 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 भारत नगर में टोटल कितने घर है? 20 घर बराबर, तो अगर मैं हर घर में 5 बेडशीट धोने के लिए दे दूं तो 25 से 100 बेडशीट आराम से एक घंटे में धुल जाएंगी, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह, है ना, है ना नैना दीदी? या विवान यू राइट, आखिर मैं भी कितनी बड़ी डफर हूँ ना, जिन घर से जाके बेडशीट्स लेके आई थी उन्हीं से धुलवा के लेके आ जानी चाहिए थी। बट डोंट वरी आंटी, विवान सब संभाल लेगा। चलिए हम चलते हैं। कहाँ? क्वारंटीन सेंटर आंटी, वो एक्चुअली ना वहाँ पे 100 लोगों के खाना बनाने का अरेंजमेंट करना है, और आपसे बेटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है? हाँ हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स, ठीक है चलो। We'll be right back.
तुझे लोहे का हेलमेट पहनाने वाला था ना विवान, अब मैं तेरे ऊपर ऐसा बाउंसर डालूंगा कि तू रात को सोते समय भी हेलमेट पहन के सोएगा। मैं आज छुपे छुपे विवान को लेसन कैसे सिखा सकता हूँ? अगर मैं इन सारे बच्चीज को मिनी साइज में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सारे बच्चे एक ही बार में तुल जाएंगे। यस। मैं इतना छोटा कैसे हो गया? कहाँ गया? लगता है तो मेरी सही में वाली धुलाई होने वाली है, वो भी सूरमा डिटर्जेंट पाउडर से। कोई तो बचाओ, मम्मे! और कितनी दूर जाना है बम्बालश्री? सबसे कीमती मोती सबसे गहरे पानी में ही मिलता है मिलसा, और सबसे बड़ी कामयाबी सबसे ज्यादा सब्र करने वाले को ही हासिल होती है। और मैंने तो इस दिन के लिए 20 साल सब्र किया है। विवान, हनी परी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोशल सर्विस, क्वारंटीन सेंटर के लिए बेडशीट धो रहा हूँ। आज वीरलोक में इतना बड़ा समारोह है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम यहाँ कपड़े धोने में व्यस्त हो? बस एक मिनट ध्वनी परी, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूँ फिर आपके साथ आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा पहला शौर्य दिवस है, आई एम वेरी एक्साइटेड। इन छोटे छोटे क्यूट मैजिक से लाइफ कितनी सिंपल और फास्ट हो गई है ना? ये देखिए मम्मे, हेल्प मी। कोई तो मुझे मशीन से बाहर निकालो। विवान, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे फिक्र नॉट ध्वनी परी, ये वॉशिंग मशीन की आवाज है। धुल गए कपड़े। चिंटू, विवान, तो ये है तुम्हारी सोशल सर्विस? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, ये चिंटू अंदर किसे कुछ गया। मुझे चिंटू की मेमोरी और नजर दोनों क्लीन करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी चिंटू। विवान, तू मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? और मैं तेरे घर पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ? लगता है मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। हाँ, सो जाओ सो जाओ। विवान, सॉरी ध्वनी परी, अगर आप मुझे इतना घूरेंगे तो मुझे नजर लग जाएगी, सो प्लीज स्माइल एंड लेट्स गो। मैं शौर्य दिवस के लिए लेट नहीं होना चाहता, चलिए। वीरलोक के मेरे साथियों, आप सभी को शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया, तो आप यहाँ थे, शौर्य दिवस की तैयारियां करवा रहे थे? अब हाँ विवान, अब धरती लोक पे तुम सोशल सर्विस कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे वीर लोक सर्विस कर रहा था। हर वर्ष की तरह हम शौर्य दिवस की शुरुआत शक्ति मशाल को प्रज्वलित करके करेंगे। ये शक्ति मशाल वीर लोक की अच्छाई की शक्ति का प्रतीक है, और इसे प्रज्वलित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बालवीर को। विवान, शौर्य कौन से बालवीर की बात कर रहे हैं? आई थिंक इस बार दोनों बालवीर को कह रहे हैं।
जो शौर्य मुझसे छिपा रहे हैं। आखिर सब क्या हुआ था 20 साल पहले? तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मिलसा। ये रहा वो नायाब शानदार करिश्मा जो 20 साल पहले यहां आ गिरा था। ये क्या है बम्बाल श्री? इतना बड़ा अंडा वेल का है? वेल अंडे नहीं देती मिलसा। ये अंडा नहीं है, ये अंडा नहीं है, किस्मत का खजाना है। वैसे तो अंडे से जिंदगी मिलती है, लेकिन इस अंडे से मिलेगी मौत। मुझे किसी तरह पता करना होगा क्या आखिर हुआ क्या था, किसका वध किया है शौर्य ने, और तमन्नासा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने माता पिता के गुनेगारों का अनुयायी हूं। भैया वो देखो भैया, अब विवान क्या तुम्हें पता है कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? सीनियर मैं तो शौर्य दिवस पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। लेकिन विवान तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम बालवीर हो। एक काम करो, तुम जल्दी से इस बारे में शौर्य से पूछो, क्योंकि मेरे पेट में तो हेडेक हो रहा है, मैं और देर तक ये सीक्रेट के लिए वेट नहीं कर सकता। पूछो पूछो जल्दी। हाँ। शौर्य क्या मैं जान सकता हूँ इस शौर्य दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या आज आपका बर्थडे है? लेकिन बम्बाल श्री आपसे एक बात पूछनी है, ये अंडा तो यहाँ 20 सालों से पड़ा होगा, तो फिर आज के दिन में ऐसा क्या खास है जो कल नहीं था? क्योंकि 20 साल पहले आज ही के दिन मेरी मुलाकात हुई थी वीरलोक के जयकास। आज से 20 वर्ष पहले की बात है, वीरलोक में एक बहुत ही निपुण रसायन विशेषज्ञ हुआ करता था। रसायन? भैया रसायन मतलब केमिकल में एक्सपर्ट साइंटिस्ट ऐसा कुछ? वीर-लोक के फूल पौधों का इस्तेमाल करके वो रसायन शास्त्री कई तरह की दवाइयां और चमत्कारी तत्व बनाया करता था। उसका नाम था जयकास। जयकास तंग आ चुका था शौर्य के शराफत भरे बेकार भाषणों से। शराफत होती ही है तकलीफ देने वाली चीज, मुझे तो शराफत को देखकर घिन आने लगती है। उसे भी आने लगी थी, शराफत सपनों के आड़े आ जाती है और जयकाज सपने देखने लगा था मेरी तरह। गलत राह पर चलने लगा था जयकाज। पहली बार कोई दिलेरी का काम करने जा रहा था जयकाज। अपने घमंड में चूर जयकाज ने एक कवक नाम के जैविक हथियार का निर्माण किया, जिसके इस्तेमाल से वो इस धरती को 2020 में पूरी तरह से नष्ट करके धरती पे राज करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई बढ़िया काम कर पाता, शौर्य की बुरी नजर पड़ गई उस पर और जयकास को अपने कवक और दो छोटे बच्चों के साथ वीरलोक से भागना पड़ा। और वीरलोक से भागने के लिए जयकास ने इस जहाज का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा जो वीर-लोक के नियम के विरुद्ध है। जयकास ने कभी नहीं ये सोचा था कि वो अच्छाई का पहरेदार शौर्य जो सबको शराफत का पाठ पढ़ाता है, वो खुद जयकास पर पीछे से हमला करेगा।
लेकिन जयकाज ने भी पलट कर शौर्य पर वार किया। लेकिन जयकाज के जवाबी हमले में एक धमाका हुआ और उसमें जयकाज का विमान नष्ट हो गया। जयकाज का एक बेटा विमान से फिसल कर एक रेगिस्तान में गिरा और उसका दूसरा बेटा जहाज के साथ यहां शिंकाई की गहराइयों में आकर गिरा। लेकिन जयकाज ने मुझे बताया कि उसने अपने दूसरे बेटे को इस कवक के अंडे के अंदर सुरक्षित छिपा कर रखा है, इसलिए मैंने इस जगह के चारों तरफ एक पाश बांध दिया ताकि शौर्य उसे ढूंढ न सके। मैंने जयकाज के दूसरे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो मुझे वो विमान मिला और ना जयकाज और ना ही उसका दूसरा बेटा। शायद उनका अंत उस विमान दुर्घटना में हो गया। लेकिन मरने से पहले जयकाज ने मुझे यह बताया कि 20 साल के बाद इस कवक के अंडे से उसका दूसरा बेटा बाहर आएगा जो कि इतना ताकतवर होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाएगी। 20 साल पहले अगर हमने जयकाज को नहीं रोका होता तो उसके कवक हथियार से 2020 में पूरे संसार का सर्वनाश हो चुका होता। तो इसी विक्ट्री को याद करने के लिए हम शौर्य दिवस मनाते हैं, राइट? ये तो बहुत ही खुशी का दिन है। तो इसका मतलब ये है कि शौर्य की गलती की वजह से हमें जयकाज का बनाया हुआ ये कवक का अंडा मिल गया। शौर्य को अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मिलसा। मैं जयकाज की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। आओ वीरलोक के निवासियों, आज मेरे साथ तुम सब शपथ लो। हम शपथ लेते हैं कि हम इस संसार में अच्छाई को हमेशा जिंदा रखेंगे। मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इस दुनिया ही नहीं इस पूरी कायनात से अच्छाई की नस्ल को मिटा कर रख दूंगा। चाहे अच्छाई की रक्षा के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे अच्छाई को मिटाने के लिए मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े। हम प्रण लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में सुख और शांति की रोशनी को अनंत काल तक फैलाते रहेंगे। मैं बंबाल्य कसम खाता हूं इस संसार से अमन और खुशी को ऐसे खत्म करूंगा कि अच्छे लोग अच्छाई के नाम से भी डर जाएंगे। अपना सपना तबाही तबाही। दुनिया को तबाह करने का हमारा ये 20 साल पुराना सपना सच होने जा रहा है। वैसे बम्बाल श्री, एक बात बताइए, समुद्र की गहराइयों में जहाँ हजार हाथियों के बराबर का वजन होता है, वहाँ 20 साल से पड़ा हुआ ये कवक का अंडा फूटा नहीं, तो इसे हम कैसे फोड़ेंगे? तुम्हारे इस उम्दा सवाल का मैं तुम्हें एक शानदार जवाब देता हूँ मिलसा, और जवाब सिर्फ 3 लफ्जों में, लिम्पार का वार। लिम्पार का वार? अगर हम दोनों रानी लिम्पार के पास गए तो वो इस अंडे के साथ साथ हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। हम लिम्पार के पास नहीं जाएंगे, लिम्पार हमारे पास खुद आएगी। तो देखो भैया, शौर्य दिवस तो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया और आपने शपथ भी ले ली। सो अब शौर्य ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसे पूरा करने की अब मेरी बारी है, और वो ये है कि मैं आपको बालवीर की शक्तियाँ लेने के लिए रेडी करूंगा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ओ
यानी कि आज से तुम मेरे गुरु। भैया गुरु थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड है। आप चाहे तो आप मुझे अपना कोच बुला सकते हैं। हाउ इज इट? हाँ तो आज से तो मेरे छोटे कोच। ओके तो बताओ क्या करना है मुझे, ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी? सुदेव भैया आज का आपका पहला डांस शुरू करते हैं इस फुटबॉल से। इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। बालवीर होते हुए अब बालवीर बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, पर क्या करो, शौर्य की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ देवो भैया? इस बॉल का करना क्या है? ओके, तो बहुत ही सिंपल टास्क है। आपको इस बॉल को इतनी जोर से मारना है कि ये मेरे ऊपर से जाकर उस दीवार को टकराए। ओके, इजी, डन। देवो भैया, आपको इसे बिना किक किए मारना है। हैं? बिना किक किए मारना है? यस। कैसे मारूंगा? इस हाथ से? अरे नहीं नहीं देवो भैया, रुकिए। ना लात से ना हाथ से, आप इसे मारेंगे अपने जज्बात से, यानी कि अपने दिमाग की पावर से। दिमाग की पावर? यस। लेकिन विवान दिमाग के पास पैर थोड़ी ना होते। देवो भैया दिमाग के पास पैर से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है, और वो है इमेजिनेशन के वेग, जिसकी मदद से आप जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। विवान अब ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। एक काम करो, तुम मुझे कोई मैजिकल मंत्र दे दो जिससे मैं इस बॉल को यूं चुटकी में उड़ा दूंगा। भैया मंत्र तो मैं आपको दूंगा ही, बट उससे भी बड़ा मंत्र होता है अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि असली पावर हमारी ब्रेन में ही होती है। ओके सो रेडी? मैं आपको एक पावर दूंगा। रेडी रेडी। विवान, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये चिंटू इधर आया है तो पक्का विवान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आया होगा। वो रही रानी लिम्पार, चलो इस मछली को अब कांटा डाला जाए। बंबाल यहां मेरे इलाके में। यहां हिम्मत कैसे की तूने बंबाल? वो क्या है ना रानी लिम्पार कि मैं यहाँ से जा रहा था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रुक कर तुम्हें ये बता दूं कि तुम इस समंदर की सबसे बदसूरत मछली हो। देखो झूठ नहीं बोलूंगा लिम्पार, लेकिन तुम्हें देख के जी कुछ खराब सा हो जाता है। दिल करता है कि आंखें निकाल के इस समंदर के पानी में धो लूं। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम्हें मार कर इस समंदर की बदसूरती को कुछ कम करूं। मैं जानती थी एक दिन तुम्हारा घमंड सर चढ़ के बोलेगा। लो, मरने में भी इतने नखरे। अरे कभी तो कोई काम बिना चिड़े किया करो। ये पहली और आखिरी चेतावनी है, लौट जाओ यहां से। चले जाओ वरना मारे जाओगे बंबाल।
लिम्पार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब मैं इसे अपने इलाके में ले जाकर अपना मकसद पूरा करूंगा। छी 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 लिम्पार, इतना कमजोर वार, ये पूंछ पे कुछ मोम लगा रखा है क्या? धार को और तेज करो लिम्पार। फंस गई लिम्पार कांटे में। सबसे बड़ा कांटा मैजिक के रास्ते में होता है फोकस की कमी, इसलिए मैजिक का सेकंड रूल है फोकस, माइंड और बॉडी दोनों का कंप्लीट फोकस। सही है विवान, मेरा दिया ज्ञान मुझे ही चिपका रहा है, लेकिन चिंटू क्या करने की कोशिश कर रहा है? विवान तू मुझसे पंगा लेकर, यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है। आज मैं तुझे साइकिल से ऐसी टक्कर मारूंगा, तू फुटबॉल बनकर दीवार के उस पार पहुंच जाएगा। डोंट मेस विद द चिंटू मिश्रा। सो इज दैट क्लियर भैया? हाँ विवान, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ क्लियर हो गया। अब मुझे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके फोकस में लाके इस बॉल को किक मारना है, राइट? करेक्ट, वेरी गुड। जल्दी से इस बॉल को किक मारिए बिना अपनी जगह से हिले। ओके कम ऑन, माइंड को शांत रखिए, फोकस की। हाँ। कैलोरीज तो बर्न हो रही है, मतलब साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? विवान, विवान एक काम करो ना, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार करके दिखा। क्या देखो भैया, आपने मुझे कितनी बार दुश्मन को किक से उड़ाते हुए देखा, अब सिर्फ एक फुटबॉल के लिए आपको डेमो देना पड़ेगा। विवान एक बार ट्राई करो ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार डेमो दे दो, इजी रहेगा मेरे लिए, प्लीज। ओके, ध्यान से देखना, तो सो माइंड को शांत रखते हैं, फोकस करना है बॉल के ऊपर। अरे मम्मी, मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है लिम्पार। बम्बाल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो मेरी एक पूंछ की वार ही काफी है। लिम्पार को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा, उसकी पूंछ में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी। धार को और तेज करो लिम्पार। अब तो मेरी पूंछ से नहीं बच पाएगा। मेरी स्विट्जरलैंड वाली साइकिल। देखा देखो भैया, अगर फोकस ना हो ना तो लोग साइकिल से गिर भी सकते हैं। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मम्मी। सो हम कहाँ थे? तो मुझे फोकस का डेमोंस्ट्रेशन देने वाले थे। करेक्ट। देखो भैया, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हम कहीं और चले? चलो। हाँ चलो। अरे वाह, बम्बाल श्री लिम्पार को ले आए अंडे के सामने, अब तो पूछ से अंडा तुड़वा ही लेंगे। मैं तो कहता हूँ रानी लिम्पार, हार मान लो और लौट जाओ वापस, और जाकर कह देना अपनी बहनों से कि ये पूछ चलाना छोड़कर
चूल्हा चौखट कर लें। शुरू करते हैं। सो भैया ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइए, वहां खड़े थे ये। अब मैं इस बॉल को बिना टच किए किक मारूंगा, ध्यान से, माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है, फोकस, ओके। वाओ, वेरी नाइस छोटे कोच, गुड। भैया यही चीज आपको भी करनी है। तो भैया रेडी? हाँ विवान, लेकिन ये करते कैसे? मतलब थोड़ी थियरी समझा दो ना तो इजी पड़ेगा। भैया थियरी बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करता है, कम ऑन, एक बार ट्राई तो कीजिए। कम ऑन भैया, फोकस, माइंड को शांत रखिए, कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर पहली कोशिश में प्रैक्टिकल में पास हो गया तो विवान को डाउट हो सकता है, इसलिए देवो मिस्टेक तो बनती है। कभी कभी दोस्तों के बजाय दुश्मनों को भी बेवकूफ बनाकर काम निकलवाना पड़ता है। भैया ये क्या है? अरे भैया फिकर नहीं, सुई के अंदर धागा डालने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है, सो ये तो मैजिक है, सो डोंट वरी। ये लीजिए, एक और बार ट्राई कीजिए, कम ऑन, इस बार हो जाएगा, कम ऑन। कमाल कर दिया आपने बम्बाल श्री, कमाल। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? जयकाज के बेटे को इस अंडे से बाहर निकालना।
आई प्रॉमिस देवो भैया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुम लड़खड़ा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मेरे साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराओगे। ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी भैया, बट आई प्रॉमिस आप सब जल्दी सीख जाएंगे और फिर आप और मैं मिलकर इस दुनिया से बुराई का दी एंड कर देंगे। सो गेट रेडी भैया। मिलकर इस दुनिया से अच्छाई और शराफत का नामो निशान मिटा देंगे। अपना सपना तबाही तबाही। सो देबू भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी रही, वेल डन। रिजवान, मेरे पास तुम्हारे जैसा छोटा कोच हो तो फिर मुझे डरने की क्या बात, मैं तो फटाफट सब कुछ सीख जाऊंगा, है ना? अच्छा फैमिली, सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर दूर, अरे इंपोर्टेड है भाई, दूर दूर। बहन जी क्या कर रही हैं? वहां पर क्या हो रहा है? पता नहीं अब कौन सा नया पंगा कर रहे हैं ये मिश्रा फैमिली वाले। चिंटू चिंटी शरारत करने से फ्री होता है तो अंकल आंटी शुरू हो जाते हैं। अभी जाकर चेक करना पड़ेगा। विवान, तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाकर सबको चेक करो, सबको संभालो, तब तक मैं क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी देख कर आता। ओके जा। बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। मेरे मन में जो अनसुलझी पहेली है उसका क्या करूं? शौर्य ने भी सिर्फ आधा अधूरा जवाब दिया है मुझे। लगता है अब मुझे खुद इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद जब उससे मिलती है तो उसे कितनी खुशी होती है ना मिलसा। और आप तो 20 साल तक इसके लिए रुके हैं, मैं आपकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वैसे बंबाल श्री, हम इस खजाने का नाम क्या रखेंगे? जयगाज ने कवक के अंडे को इतना मजबूत बनाया था कि उसे तोड़ने के लिए हमें लिम्पार मछली की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और ये हमारी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आया है, तो क्यों ना हम इसका नाम किरण रख दें? आओ मिर्सा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपके साथ रहते रहते मुझे आपके सारे सपनों और आपकी सारी सोच की अच्छे से समझ हो गई है। जयकाज का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे। रे, रे। अब रे की मदद से वीर लोक और धरती लोक में होगी तबाही। जयकाज का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे। रे, रे। बहुत खूबसूरत नाम है रे। आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ करूं मैं कम है। आप महान हैं, पूरा जहान है, आप अनुपम हैं और आपके आगे सब कम है। ये क्या हो रहा है? Oh, my God.
जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। खरे सोने की परख उसकी पीली चमक होती है। बंबाश्री, इसकी तो सांसें रुक रही है, ये मरने वाला है। यही सोचा था आपने? ये क्या पहेली है? मिलसा, ये 20 साल से कवक के अंडे में था, अब जब ये बाहर आया है तो इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब हम क्या करेंगे बंबाश्री? नहीं, इसका दम घुटने से ये मर ना जाए। सब्र मिलसा, सब्र। इसके शरीर से कवक के असर को दूर करने का उपाय भी है मेरे पास। अमृत कुंड, अमृत कुंड, अमृत कुंड। बीस साल पहले क्या हुआ था उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे वीरलोक के इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अब क्या करूँ, डुबा डुबा के सामने वहां तक कैसे जाऊँ? मैं वो, अरे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीरलोक की पूरी सैर करवा सकता हूँ। नहीं नहीं डुबा डुबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? वो है स्तूप ग्रह, वहाँ पर वीरलोक का इतिहास संजो कर रखा है। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं अपना इतिहास पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा ना। ये भी ठीक है। चलो 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 डुबा डुबा। अरे मैं लेकर जा रहा हूँ ना, मैं भी भूल जाता हूँ। चलो बालवीर, अब वो क्या है ना, स्तूप ग्रह में शौर्य की अनुमति के बिना जाना मना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी शौर्य से अनुमति लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। अरे डुबा डुबा, इतनी छोटी सी बात के लिए शौर्य को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अंदर जाऊंगा तो बालवीर का इतिहास पढ़ूंगा ना। अंदर किताब, बालवीर का इतिहास, ठीक है चले। हाँ चलो 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 बालवीर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर। क्या कर रहे हैं आप? हमें जाने दीजिए ना। मिश्रा अंकल, आंटी, ये क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पूरा पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पे? अनन्या, ट्रैफिक से ज्यादा तो हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर आप ये पैराशूट जैसी स्कर्ट पहनकर जा कर रही हैं आंटी? अनन्या, पहली बात आंटी नहीं है हम, दीदी कहो हमें। और दूसरी बात, ये कोई पैराशूट नहीं है, ये अमेरिका से मंगवाई हुई स्पेशल PPOW सूट है। इसे पहनने से लोग खुद ब खुद 12 फीट दूर रहेंगे हमसे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो करते नहीं है, इसीलिए रोज नहने के। अरे मिश्रा अंकल, आई एग्री, इस सिचुएशन से बचने के लिए हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े स्कर्ट पहन के लोगों का रास्ता ब्लॉक करना सही बात नहीं है? विवान बेटा, मुफ्त की सलामत दो, अब हमारी सेफ्टी के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, और इससे किसी को तकलीफ होती हो तो हो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए जाने दीजिए। दूर हटो भाई, बताओ रास्ते में बीच में खड़े हो जाते। विवान, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक से मानेंगे। आई नो अनन्या दीदी। बांबालश्री, ये कुआं, इस कुएं में तो प्रहती रहते हैं, बहुत बच के जाना होगा। सब्र मिलसा, सब्र। मौत को चकमा देने का इंतजाम करके आया हूँ मैं, ये है उनका चारा। मिलसा, जब मैं इशारा करूं तो इस रस्सी को ऊपर खींच लेना।
याद रखना मिलसा, मैं अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बंबाल श्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरी हिंसक सेनापति मिलसा। मैं रे को ठीक कराने वाला अमृत पिलाकर ही वापस आऊंगा। आ गए हम बालवीर, ये देखो वीर लोक के इतिहास की पुस्तक। डुबाडुबा, तुम सच में मेरे पक्के दोस्त। तुमने शौर्य की डांट से डरे बिना मेरी हेल्प की, इसलिए थैंक यू। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है बालवीर, मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त बालवीर के लिए शौर्य से डांट खाने का खतरा उठा सकता हूँ। थैंक यू डुबाडुबा, इसी बात पर मैं तुम्हें ढेर सारे लड्डू और मोदक ला कर दूंगा। ओके, लड्डू और मोदक? लेकिन बालवीर, मैं ये मोदक और लड्डू के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बालवीर चले वापस, अभी अभी तो आए हैं, कुछ पन्ने तो पढ़ लेने दो मुझे। अरे यहाँ पर हजारों पन्ने, तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पुराना पन्ना, जहाँ पता चलेगा मेरे परिवार का रहस्य। ये रहा कवक के असर को दूर करने वाला अमृत कोना। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है, चलते हैं ना बालवीर। अरे डुबाडुबा, इसमें घबराने की क्या बात, शौर्य दिवस के मौके पर अपने गौरवशाली इतिहास को जानना ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी मैं अपना इतिहास तो देखना चाहता हूँ, है ना? हाँ फिर सही है। लेकिन डुबाडुबा एक समस्या है। क्या? ये किताब खोलते कैसे है मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता है ना, ये तो बहुत आसान है। बालवीर तैयार? ये देखो बालवीर, इसके हर पन्ने पर एक वर्ष का लेखा जोखा लिखा हुआ है। तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पहले के इतिहास का पन्ना। इन सबको भटकाने का एक ही रास्ता है, वो है ये फल। सबके फल खत्म होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। उन्नीस और ये रहा तुम्हारा 20 साल वाला पन्ना। रे,
मुंह खोलो रे। फंडे का बहुत बड़ा हिस्सा तो उठा दिया गया है। इतनी देर हो गई, बंबाल श्री अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? कहीं उन खतरनाक जानवरों ने उन पे हमला तो नहीं कर दिया? ये कैसे हो सकता है? इस पन्ने का कुछ हिस्सा तो गायब है। बालवीर, मैं शौर्य को बताकर आता हूँ। कोई हमारा इतिहास बता रहा है, तुम रुक जाइए, मैं अभी शौर्य से बात करके आता हूँ। डुबा डुबा सचो, हमने आज कितने सारे नियम तोड़े हैं। बिना शौर्य की आज्ञा लिए यहाँ पे स्तूप गृह में आए, फिर बिना परमिशन के इतिहास की किताब के पन्ने खोले, और फिर 20 साल पहले का इतिहास उसमें से गायब है, तो फिर इल्जाम किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? अरे हम दोनों पर। दबर। और हो सकता है शौर्य आजीवन के लिए तुम्हारे लड्डू खाने पर प्रतिबंध लगा दे। नहीं, मैं ये सजा कभी नहीं सह पाऊंगा। दबर। हाँ तो डुबा डुबा मुझसे प्रॉमिस करो, इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। ओके? किसी को नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बताना है। ये तो रस्सी ऊपर खींचने का इशारा है। बहुत खूब रे, बहुत खूब। लाख लाख शुक्र है कि आप और आपका ये हथियार सही सलामत है। आपने देखा लोग कितना जल रहे हैं हमसे। गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की अपील तो इग्नोर ही किए जा रहे हैं ये लोग। अब तो इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ही पड़ेगा। 6 फीट की दूरी बन जाए कंपलसरी। मैं पीछे कैसे चले गए? क्यों जा रहे? आइए ना। हाँ। ये क्या हो रहा है? हाय हाय, मैं फिर से पीछे कैसे आ गई? इधर भूत वूत तो नहीं है ना? क्या मित्रा जी, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? इधर आइए। गणपति बापा मोरे, गणपति बापा मोरे, मंगल मूर्ति मोरे। अरे ये बार बार एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है मॉम? विवान, ये क्या कर रहे हो?
ऐसे ब्रॉड डेलाइट में मैजिक? लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देना भी तो जरूरी है ना। आई अंडरस्टैंड विवान, आई नो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हर चीज में तुम्हें ऐसे मैजिक का डंडा नहीं चला सकते ना। अब देखो, मुझे मॉम से फ्रूट के बैग लेके क्वारंटीन सेंटर जाना था, लेकिन तुम्हारे मैजिक की वजह से मैं वापस से रिवाइंड होके अपनी जगह पे ही जा रही हूँ। यू आर राइट अनन्या दीदी, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी अपना मैजिक हटा देता हूँ। ओके, हटा दिया। विवान, हाँ? तू अभी तक बाहर खेल रहा है, जा घर जा ना, घर जाके कुछ खा ले बेटा। हाँ। और अनन्या, तुम अभी तक यहाँ हो, क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलना क्या? हाँ आंटी, वो मैं बस मॉम से फ्रूट्स का बैग लेने आई थी। अब वैसे मम्मी, देबू भैया भी क्वारंटाइन सेंटर गए हुए हैं, तो आपके प्लीज उन्हें कह देंगी कि वो भी जल्दी घर वापस आ जाए, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी, पर तुम घर जाओ। हाँ। जाना। आते हैं। हाँ? सिंग सिंग सिंकाई सिंकाई। रे को देख के ऐसा लगता है कि उसके ऊपर का कमरा खाली है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ कैसे आई कि उसने उन खतरनाक जानवरों को रोकने वाला फल उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। शिकारी है ये, और शिकारी को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, कुदरत उसे सब सिखा कर ही बेचती है। ओ, तो चलने से पहले उसने लड़ना सीख लिया, लेकिन अभी हमें उसे बहुत कुछ सिखाना बाकी है, और बोलना सबसे पहले। सब्र मिलसा, सब्र। ये बोलना भी सीखेगा और सबकी बोलती बंद करना भी, लेकिन उससे पहले हमें इसके शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करना होगा। लेकिन बम्बाल श्री, अमृत के असर से उसके जिस्म में फैला कवक का जहर तो उतर जाना चाहिए था ना? कवक का असर बहुत खतरनाक होता है मिलसा। अमृत कुंड के अमृत से उसका असर उतर तो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रे के शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करने के लिए हमें उसके शरीर में एक महाताकतवर का खून डालना होगा। तो हम इस महाताकतवर को कहां ढूंढेंगे? सब्र मिलसा, सब्र। इस काम के लिए मैंने पहले ही अपने एक सिपाही को धरती लोक पर भेजा है। क्या खबर है प्रेक्षक? बम्बाल श्री, वो प्रेक्षक तो अपना भी मारा गया। आप हंस रहे हैं? जरा सोचो मिलसा, जिसने प्रेक्षक का ये हाल किया वो कितना ताकतवर होगा। लेकिन अब जरा ये भी सोचो, अगर उस महाताकतवर का खून हमने रे के शरीर में डाल दिया तो इसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब रे बनेगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार। हाँ मिलसा, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि धरती तक जाने के लिए जो खुफिया रास्ता मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला था वो तैयार है? बम्बाल श्री, आपके किसी भी हुक्म को पूरा करने में मैं एक पल की भी देरी नहीं लगाती, वो खुफिया रास्ता तैयार है। बस अब धरती पर उस महा खतरनाक का खून मिल जाए, उसके बाद रे के साथ मिलकर इस दुनिया पर मैं करूंगा राज।
ये लीजिए डॉक्टर लीसा, ये फ्रूट्स हैं और कैंटीन के लिए जो भी सामान चाहिए था ना वो भी आ गया। ओह दैट्स ग्रेट। अब पर डॉक्टर लीसा, ये आइसोलेशन वार्ड इतना खाली क्यों पड़ा है? अरे यहाँ तो पूरा क्वारंटाइन सेंटर ही सिक पड़ा है, आइसोलेशन वार्ड में कौन आएगा अनन्या? आपका मतलब क्या है डॉक्टर लीसा? हमने कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर खोला है और पता है टैप में एक बूंद पानी भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, कभी जाती है तो कभी आती है, कभी जाती है तो कभी आती है, कभी जाती है कभी आती है। अरे नहीं, आती ही नहीं है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि लोग यहाँ 2 वीक का आइसोलेशन पूरा करने आ रहे हैं या काला पानी की सजा काटने आ रहे हैं। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, पर आप इतनी सीरियस बात इतना हंस के क्यों बता रही हैं? लाफ्टर इज अ बिग मेडिसिन। अरे हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दवा है। पर अगर कोई जरूरत से ज्यादा हंसता है ना तो उसे खुद दवाई खानी पड़ती है। ठीक है मैं चलती हूँ। आंटी अब मुझे समझ में आया कि कॉलेज मैनेजमेंट ने हमें ये बिल्डिंग इतनी आसानी से कैसे दे दी। उन्होंने सोचा होगा हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर चलाएंगे और साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी और पानी की प्रॉब्लम है वो भी हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। हाँ नन्या, कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल आने वाले हैं, उनके साथ मिलके हम लोग सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे, है ना? हाँ आंटी राइट। विवान ने कहा था देबू क्वारंटाइन सेंटर में ही है, लेकिन वो तो कहीं देखा नहीं, कहाँ है? मैंने सोचा था वीर लोक की इतिहास पुस्तक पढ़कर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा असली मकसद क्या है, लेकिन उस इतिहास का 20 साल पहले का पन्ना खाली है, जैसे किसी ने उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की है। अब मुझे सच्चाई के बारे में कैसे पता चलेगा, किससे पूछूं कि मेरा इतिहास क्या है? माँ क्या सोच रहे हो बालवीर? तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। शौर्य, मैं बस यही सोच रहा था शौर्य कि हम वीर लोक की दवाइयों से माँ का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन माँ अब तक ठीक क्यों नहीं हो रही है? तिम्नासा ने जिस धातु फल से बने हथियार से बाल परी पर हमला किया था, अगर हम उस धातु फल से बाल परी का इलाज करें तो ये जल्दी ठीक हो सकती है। हाँ तो शौर्य हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं अभी काल लोग जाकर वो धातु फल ले आता। नहीं बालवीर, क्योंकि तिम्नासा के अंत के बाद काल लोक एक वीराना बन चुका है जहां बहुत ही घातक ऊर्जा है, तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वहां की ऊर्जा तरंगों ने तुम्हें छू भी लिया तो तुम राख हो जाओगे बालवीर, और वहां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी जानलेवा हो सकता है। नहीं शौर्य, मैं अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे पता है बालवीर, लेकिन तुम ये मत भूलो कि एक नई बुराई ने अपना सिर उठा लिया है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विवान अकेले उस बुराई का सामना शायद नहीं कर पाएगा। क्या तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने के बारे में सोच रहे हो बालवीर? अब शौर्य, देबू घर में भी नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर में भी नहीं है, तो फिर कहां चला गया है मेरा बेटा? अब नहीं शौर्य, मैं आपके आदेश को कैसे नकार सकता हूँ? मैं तो धरती से करुणा जी की आवाज सुन रहा था, वो दरअसल देबू को बहुत समय से मिली नहीं इसलिए परेशान हो रही है। मुझे जल्दी धरती लोक पर जाना होगा। कहाँ है देबू? आंटी ये देखिए, ये तो यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है, आप फालतू में बेचैन हो रही थी। देबू? हाँ
तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम घर पे जाके सो जाओ ना बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली काम थोड़ा ज्यादा कर लिया था, इसलिए दो मिनट के लिए आराम करने बैठ गया, पता ही नहीं चला कब लग गई। हेलो, हाँ शुक्ला जी, हाँ आपका टिफिन मैं अभी पहुंचाती हूँ। बस वो क्या है ना, क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा बिजी हो गई थी। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहुंचाती हूँ। हाँ हाँ ओके। अनन्या, मुझे शुक्ला जी को फौरन टिफिन पहुंचाना पड़ेगा। तुम एक काम करना, तुम यहाँ के मैनेजमेंट से ना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के बारे में बात जरूर कर लेना। हाँ आंटी ठीक है, इस टाइम तक आई थिंक प्रिंसिपल और डीन भी आ गए होंगे, तो मैं बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, याद से। हाँ हाँ आंटी, बाय। ओ हेलो। हेलो, तुम ऐसे ही यहाँ सोते रहोगे या चलोगे मेरे साथ मैनेजमेंट से बात करने? आई थिंक आई विल गो विद ऑप्शन ए, यहाँ पे सोता रहूंगा। इस जवाब को लॉक कर दिया जाए और चाबी विंडो से बाहर फेंक दी जाए। गुड नाइट। अब मैं अपनी हेल्प करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, इस क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी पेशेंट्स आने वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ। क्या अनु, तुम डॉक्टर हो क्या कि तुम पेशेंट्स की हेल्प करोगी? कुछ भी बोलती हो। अरे तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की कितनी प्रॉब्लम हो रही है? इसीलिए उबासिया बाद में लेना मिस्टर, पहले चलो मेरे साथ। अरे 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 सुनो, ये सोने की एक्टिंग करना बंद करो। ये देखो प्रिंसिपल का ऑफिस भी आ गया है। अरे कहाँ जा रहे हो बिना ब्रेक के? अरे यार वो तुम्हें देखकर मुझे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। स्लीप वॉकिंग बाद में कर लेना, अभी प्रिंसिपल का ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं यार मुझे, अरे अरे एक्सक्यूज मी मैम। मैम, क्या आप इस कॉलेज की प्रिंसिपल है? नो, आई एम द डीन, ही इज द प्रिंसिपल। ये रहा धरती तक पहुंचने का खुफिया रास्ता। अभी प्रिंसिपल को ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं अब मुझे, अरे एक्सक्यूज मी मैम। ये है प्रोफेसर अघाड़ी। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो प्रोफेसर अघाड़ी। हेलो डीन, सॉरी मैम आपका नाम? डीन मिल, मलिश्का। हेलो सर, हाय मैम, मैं आपको भारत नगर की तरफ से थैंक यू बोलने आई थी कि आपने अपने कॉलेज में हमें क्वारंटीन सेंटर चलाने का परमिशन दिया। Well, बुरे वक्त में इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। हाँ सो तो है, पर एक्चुअली हम आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। वो यहाँ पे जो हमने क्वारंटाइन सेंटर खोला है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट ऑफ हो रही है और नल में तो पानी आता ही नहीं है। लो, इनके यहाँ पानी नहीं आता और हमारे यहाँ पानी की कमी ही नहीं है। ये आपके घर की नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं। बट आप इस 21st century की यंग जनरेशन हो सो। हाँ सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी और पानी के क्वारंटाइन सेंटर चला ले। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह क्यों नहीं ले लेते? प्रोफेसर अघाड़ी, हम ऑलरेडी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, वरना यहाँ क्वारंटाइन सेंटर क्यों चलाते? एक्चुअली सर, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो भी खर्चा आएगा ना, प्लीज आप वो पे कर दीजिएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, आफ्टर ऑल वी आर गुड पीपल, और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। Thank you.
सब सॉल्व कर देंगे. ओके ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. सब सॉल्व तो हो ही जाएगा जब सब कुछ धरती पर खत्म हो जाएगा. थोड़ी स्ट्रेंज थे ना ये प्रिंसिपल सर और डीन. कहाँ लॉस्ट हो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं हो. तुम बोलने का मौका कहाँ देती हो? खुद ही बोल करती हो. मेरा माइंड हैंग हो जाता है. What? मैं प्लम्बर के पास जा रहा हूँ पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. और तुम इलेक्ट्रिसिटी का संभाल लो. लेकिन तुम्हारे होते हुए इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत? What do you mean? तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद 440 वोल्ट का करंट मारता है ना? हाँ वो भी है. यू ओके बाय. किसी दिन ऐसा करंट मारूंगी ना इस डब्बू को कि दिमाग रास्ते पे आ जाएगा इस डॉक्टर का. एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था बम्बाल श्री जैसे उन लोगों को हम पे शक हो गया है. लेकिन आपने पूरे हालात को बहुत ही खूबी से अपने काबू में कर लिया. और बहुत जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया को भी काबू में कर लूंगा. तुम बस देखती रहो मिलसा, अपना सपना तबाही तबाही. बेशक बम्बाल श्री, लेकिन अगर इस कॉलेज के असली डीन और प्रिंसिपल आ गए तो हम क्या करेंगे? तुम सोचती बहुत हो मिलसा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ. इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं. इस कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन अब यहाँ कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो समंदर की मछलियों का चारा बन चुके हैं. वाह बम्बाल श्री वाह. इसका मतलब ये है कि हम इस खुफिया दरवाजे से बिना किसी रोक टोक के कभी भी धरती पे आ जा सकते हैं. चलो पीछा छूटा अनन्या से. तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है. पानी की समस्या तो मैं जादू से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा काललोक जाना जरूरी है. माफ कीजिएगा शौर्य, आपकी अनुमति के बिना मैं काललोक जा रहा हूं. उम्मीद है आप समझ जाएंगे. तो चलिए बम्बाल श्री, हम उस महाताकतवर का शिकार करते हैं जिसने उस प्रेक्षक की जान ली और जिसके खून से हम रे को ताकतवर बना सकते हैं. मेरी हिंसक सेनापति मिलसा, अगर हम अकेले उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए निकलेंगे तो बहुत देर हो सकती है. इसलिए मैंने एक योजना बनाई है और उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे काललोक जाना होगा. काललोक? लेकिन ये लेकिन किंतु परंतु जैसे लफ्ज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिलसा. जी बम्बाल श्री. इसलिए जब तक मैं काललोक से लौट कर आऊं तुम रे को लेकर यहां आ जाओ, क्योंकि अगर हमारे समुद्री दुनिया के दुश्मनों ने रे को देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री, मैं रे को अभी लेकर आती हूं. अब काल लोग जाकर ही मुझे उस महाताकतवर के बारे में पता चलेगा. अब काललोक में ही मुझे वो धातु फल भी मिल जाएगा और हो सकता है कि तिम्नासा की पहेली का भी कोई सुराग मुझे मिल जाए.
यहाँ कालोक में अच्छाई के पक्के दुश्मन मिलेंगे जो मेरा साथ देंगे। जो उस धातु फल को ढूंढकर तुरंत यहां से निकलना होगा। बस एक बार मां ठीक हो जाए, फिर मेरे मन में जो सवालों का तूफान उठ रहा है उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि काल लोग तो खुद यहां पर खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, ऐसे स्लो मोशन में मुझे घूरना बंद कीजिए। हाय, मैं तो आपकी फैन हो गई। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई। कम ऑन, नाउ सील द डील। सो अब से हम हैं टीम शैडो। क्या हुआ? मेरी बेटी इतनी बैड क्यों हो रखी है? बैड नहीं मॉम, सैड। तो सैड होना भी तो बैड ही होता है। मेरी इतनी गुड बेटी क्यों है उदास? नकाबपोश मॉम, नकाबपोश है मेरी सैडनेस का रीजन। जब से तिमनासा का एंड हुआ है तब से तो उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। आई मीन वो मुझे अपना फ्रेंड बोलता है, बट ये कैसी फ्रेंडशिप निभा रहा है वो? काम खत्म हो गया तो मुझसे बात करना बंद कर दिया उसने। देखो बेटा, इतनी जल्दी किसी के लिए भी कोई भी राय बनाना सही बात नहीं होता। हो सकता है कि वो इजी हो। बिजी मॉम। वही वही। देखो बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने उसका केस, मेरा मतलब है उसका फेस देख लिया इसलिए वो हिचकिचा रहा हो यहाँ आने से। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझसे बोर हो गया और मुझसे मिलना ही ना चाहता। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा टाइम दो उसे, वो जरूर आएगा। अच्छा चलो, अब जल्दी से हैप्पी हो जाओ। गुड गर्ल। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, नकाबपोश मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? आई मीन आई नो सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम पे हमें फॉलो करनी चाहिए, बट 6 फीट के डिस्टेंस से तो वो मुझसे बात कर ही सकता है ना। नो 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 नो, अब मैं तब तक उसे बुलाती रहूंगी जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता। वो धातु फल उस गुफा के आसपास ही कहीं पर होगा। शौर्य ने मुझे कहा था कि तिमनासा के मरने के बाद काल लोक में काली ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल यहां पर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे खुद इन घातक किरणों से बचते हुए धातु फल तक पहुंचना होगा इससे पहले कि काल लोक जलकर पूरी तरह भस्म हो जाए। नकाबपोश, नकाबपोश, वेयर आर यू नकाबपोश? फ्रेंड बोलते हो ना मुझे अपना, लेकिन इतना बैड बिहेवियर कर रहे हो जितना एनिमीज भी नहीं करते। नो प्रॉब्लम, अब तुम सीधा सीधा मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।
हेल्प नकापोश प्लीज प्लीज नकापोश प्लीज बचा लो प्लीज। तो अनन्या की आवाज है लेकिन उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं लग रही। इसका मतलब वो नाटक कर रही है नकापोश से मिलने के लिए। अभी मेरे पास ये सब के लिए समय नहीं। धरती पे जब भी मुझे शिंकाई की याद आएगी तो इस एक्वेरियम को निहार कर मैं अपना मन बहला लूंगी। मिल्सा क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बम्बालश्री मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको वो मिला जिसे आप खोजने काल लोक गए थे? अभी तक तो नहीं मिल्सा। यहाँ काल लोक में तो वीराना छाया हुआ है, एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। हाँ रोशनी की तरंगे नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये काल्लोक की पहरेदारी कर रही हैं। तो बम्बाल श्री आपको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो सकता है। वही तो पता करना है मिल्सा, काल्लोक की बुरी शक्ति उस महा ताकतवर तक मुझे कैसे पहुँचाएगी। किसी बुरी शक्ति के आसपास होने का मुझे आभास क्यों हो रहा है? काल लोक में तो सन्नाटा छाया हुआ है, अच्छाई का कोई भी दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा। हुआ क्या है यहां? जरूर कोई है, कहीं ये वही बुरी शक्ति तो नहीं जिसके बारे में शौर्य को आभास हुआ था।